वीट ग्रास को सुपरफूड कहते हैं क्योंकि किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं वीट ग्रास के बारे में कि उसको हम घर पर कैसे लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने से पहले इसके गुणों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी बॉडी में जो भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं उसका सबसे मेन कारण है वो ये होता है कि किसी न किसी विटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसी होना, जो हमें नॉर्मली ऐसे पता भी नहीं लग पाती। तो वीट ग्रास एक अकेला ऐसा फूड है जिसके अंदर सारे के सारे विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो अगर आप ये एक चीज़ लेंगे तो आपकी जो बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है किसी भी विटामिन और मिनरल की, वो इस एक चीज़ से पूरी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि इसको कंज्यूम करने से हमारी हेल्थ पे हमें क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो ये वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिक रेट को बहुत बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और डायबिटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, ये कैंसर की सेल्स को भी काफ़ी अमाउंट में कम कर देता है। इसके फायदे इतने सारे हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बन सकता है, लेकिन मैंने इसमें कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी आपको जितना मैं बता सकती हूँ उतना बताऊँ। तो आइए अब बात करते हैं कि इसको घर में लगाएं कैसे। तो ये देखिए कि आपको पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने गेहूँ लिए हैं, वीट जिसको कहते हैं या कनक भी कहते हैं, वो आपको ले लेने हैं। कोशिश करनी है कि अगर आपको ऑर्गेनिक मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हम वीट ग्रास के थ्रू कंज्यूम करने वाले हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि ऑर्गेनिक वाले गेहूं ही हम यूज़ करें, तभी हेल्थ पे उसका अच्छे से बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी बात जो हमें चेक करनी है वो ये है कि बिल्कुल साफ़ हो, इसमें किसी तरह का कोई इंसेक्ट ना हो, क्योंकि कई बार जो गेहूं ओवर टाइम रखे रहते हैं तो उसमें हमें कुछ कुछ कीड़े छोटे मोटे देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, और इसकी जो पॉटिंग सॉइल भी होगी उसमें भी हमें कुछ और नहीं एक्स्ट्रा मिक्स करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो बहुत ही इजी है इसको लगाना, बस बेसिक हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गेहूं है वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है इसको लगाने में। और अभी चलिए देखते हैं कि हमें इसको कैसे लगाना है मिट्टी में। तो जो मैं मिट्टी इसकी तैयार कर रही हूँ उसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स किया है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया है, तो यही दोनों चीज़ें मिक्स की हैं। इसके अलावा कुछ भी और चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी ऑर्गेनिक तरीके से इसको लगा रहे हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक हमें जो फर्टिलाइज़र है वो हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, मतलब कि जो हम मार्केट से केमिकल वाले फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कई बार, वो हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। सिर्फ हमें घर का ऑर्गेनिक जो है वर्मी कंपोस्ट डालना है, या फिर आप काऊ डंग भी डाल सकते हैं। सिर्फ ऑर्गेनिक ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि इसको हमें कंज्यूम करना है, इससे हमें हेल्थ बेनिफिट लेने हैं, तो जितना वो ऑर्गेनिक होगा उतने ही हेल्थ बेनिफिट जो है वो बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा कोकोपीट में मिक्स कर रही हूँ मिट्टी के ऊपर, और थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया है जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो है इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो, मतलब जो आप ये लगाएंगे और आपको ये यूज़ करना होगा डेली डेली, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा पॉट है वो जो है उसकी थोड़ी लंबाई ज़्यादा हो, क्योंकि एक नॉर्मल 12x12 के गमले में अगर हम लगाएंगे तो जो उसका एरिया है वो कम होगा, तो आप जो कंज्यूम है वो कम कर पाएंगे और डेली कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई ऐसा पॉट है जो थोड़ा लंबा है, जिसकी लंबाई ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ लंबाई ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा जो पॉट है जिसकी लंबाई ज़्यादा हो वो आपको लेना है, ताकि आपकी जो वीट ग्रास है वो आप 4-5-6 डेज तक अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं और फिर आप वापस रीग्रो कर सकते हैं उसको। सबसे अच्छी बात वीट ग्रास के साथ ये भी है कि ये बहुत ही जल्दी ग्रो करने लग जाता है। आप देखेंगे कि 4 या 5 दिन में इसके स्प्राउट्स निकलने लग जाएंगे और 8 या 9 या 10 दिन में मैक्सिमम ये आपको जो है यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो जो हमारे पास गेहूँ थे वो हम इस पर स्प्रेड कर लेंगे सॉइल पर अच्छे से, और देखिए ऐसे जैसे कि बहुत डेंसली भी नहीं हमें स्प्रेड करने हैं, थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के हम स्प्रेड कर रहे हैं, और स्प्रेड करने के बाद 1 इंच की या 2 इंच की हद से हद हम उसके ऊपर सॉइल की जो लेयर है वो लगा देंगे। अच्छा, अब जब आप इसको लगा देंगे उसके बाद आपको इसको बहुत फ्रिक्वेंटली पानी नहीं देना है, आपको जब लगेगा कि हल्का हल्का से सूख रहा है तो इसको हमें पानी देना है। अगर आपको लगेगा कि मिट्टी इसकी जो है गीली है तो हम इसको पानी ना दें जाए। गर्मियों में तो हम फिर भी, क्योंकि मिट्टी जल्दी सूख जाएगी, तो हम डेली पानी दे सकते हैं। सर्दियों के दिन में आप इसको 2 या 3 दिन के इंटरवल पे ही पानी दें। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये ग्रो कर जाएगा ना, तो आपको जब 1-3 या 4 इंच ये ऊपर आ जाएगा सरफेस से, तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है कि आपको एक कैंची लेनी है और कैंची से जो ऊपर की जो लेयर है 2-3 इंच की वो काट लेनी है, और वो काट के वो जो अमाउंट आपने लिया है उसको पानी में मिक्स करके
और फिर आप इसको ब्लेंडर में डाल के इसका जूस बना सकते हैं और आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। हम इसको डेली कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अमाउंट हम कंज्यूम करेंगे वो हम देखें कि 20 ml या 30 ml ही हो। और आप घर में फैमिली के जो आपके लोग हैं उन सबको भी ये अगर जब आप लगा रहे हैं तो सब लोग पिएं, तो उससे क्या होगा कि जो हेल्थ है वो सबकी इम्प्रूव होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ओवर टाइम वो भी धीरे 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 करके ठीक होने लग जाएगी। तो ये देखिए इसको कितना ईजी है इसको लगाना। और मिट्टी से जैसे आप देख रहे हैं मैंने कवर कर दिया है। कवर करने के बाद सिर्फ हमें इसको वाटर देना है और कुछ भी नहीं करना है। अपने आप ये जब आप एक बार इसको काट देंगे तो उसके बाद नई ग्रोथ निकल आएगी। लेकिन एक जो छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि जब आप पहली जो यील्ड आती है जब उसको आप कट करते हैं तो उसके बाद जो नई यील्ड आती है तो उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो पर मैं जो इसको यूज़ करती हूँ वो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको जड़ से निकाल लेती हूँ और फिर मैं उसको सारा का सारा यूज़ कर लेती हूँ। और मैं दूसरे कंटेनर में एक अलग जगह पर लगा के रखती हूँ दूसरी वीट ग्रास। तो जब मेरी एक ख़त्म होती है तो दूसरी ऑलरेडी तैयार होती है यूज़ करने के लिए। तो अगर सबसे ज़्यादा जिसका फ़ायदा है, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन है, वो है कि अगर आप इसको जब लगाएंगे और वो ग्रो करेगी, आप इसको जड़ से निकाल लें तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें होती है। देखिए मैंने आपके सामने एक लगाया है और मैंने ऑलरेडी एक जगह पे लगाया हुआ था, तो देखिए कितने अच्छे से बढ़ी हुई है। बीच बीच में से मैंने निकाला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जड़ से निकाल लेती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप वीट ग्रास का जो है अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।